नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के सुपर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं मोटो ने जो अपना मोटो जी 5G नया लॉन्च कर दिया है, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल 5G रेडी फ़ोन करके इन्होंने ऐसा कमिट किया है। यहाँ पे मोटोरोला जो है ये फ़ोन फ्लिपकार्ट ट्यूनिक पे ला रहा है, फ्लिपकार्ट ओनली फ़ोन है ये, 20,999 रुपये में आने वाला है फ़ोन। क्या क्या लेके आ रहा है उसके बारे में आज बात करते हैं। ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन से यहाँ पे लीक नहीं हुई है, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है देखने को, लेकिन जो है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया का सबसे पहला अल्ट्रा फास्ट स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है ये। तो मुझे लगता है 750G एक बड़ा माइलस्टोन है, 5G प्रोसेसर है ये, ऑक्टाकोर के बेसिस पे आने वाला 2.2 GHz का ये प्रोसेसर है, 8 कोर्स के साथ में आता है और 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है। तो मुझे लगता है एक पावर एफिशिएंट चिप रहेगा ये और 5G एनेबल्ड है तो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। जब भी अपने इंडिया में 5G रोल आउट हो जाएगा तो ये आपका फ़ोन रेडी रहेगा उसके लिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल 5G रेडी फ़ोन है ये। उसी के साथ में ब्लेजिंग 6GB रैम के साथ में आता है, 128GB का इसमें स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 6GB रैम अगर 20,000 रुपये के हिसाब से, 20,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6GB रैम ज़रा कम लग रहा है यहाँ पे। 8GB एटलीस्ट 6GB और 8GB ऐसे दो वेरियंट इन्होंने निकालने चाहिए थे, लेकिन मोटोरोला यहाँ पे बेस 6GB वेरियंट के साथ में ही गया है और 128GB का स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को। 6GB रैम के साथ में इन्होंने मल्टी टास्क इफिशेंटली ऐसे करके बोला है। अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकली 4GB 6GB और 8GB में इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता है, बिकॉज 4GB रैम को भी 100% से इस्तेमाल कर सके ऐसे बहुत कम गेम्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है 6GB फिल भी अप टू द मार्क रहेगा नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। 6GB रैम इतना कुछ पावर हंग्री नहीं रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स के हिसाब से देखें तो और ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 8GB का रैम होना चाहिए था। इमर्सिव 6.7 इंच का मैक्स विजन HDR10 डिस्प्ले इन्होंने प्रोवाइड किया है। ट्रू टू लाइफ कलर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। आप देख पा रहे हो किस तरीके से पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है आपको और इसमें ये IPS डिस्प्ले आता है, ये इन्होंने AMOLED डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड किया है। मोटोरोला ने ये नया जो चीज़ ऑप्ट किया है वो मुझे लगता है कॉस्ट सेविंग के लिए इन्होंने स्क्रीन में AMOLED डिस्प्ले देना बंद कर दिया। तो दिस इज़ द IPS LCD डिस्प्ले 6.7 इंच के साथ में आता है और HDR10 है, तो उसकी वजह से आप Netflix या Amazon Prime इस पर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे। क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया इन्होंने। एक अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड किया है, प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का शूटर है और एक मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे तीन सेंसर्स के साथ में आता है ये। यहाँ पे ज़्यादा कैमरा प्रोवाइड नहीं किए लेकिन तीन ही कैमरा दिए हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है। उसी के साथ में मोटोरोला का जो मोटो का लोगो है उसमें ही वो डिंपल में ही आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी आपको देखने को मिल रहा है। मैसिव 5000 mAh के बैटरी के साथ में आता है। दो दिन तक आपका बैटरी लाइफ ये प्रोवाइड कर पाएगा आपको, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करने की वजह से इसका वेट थोड़ा हैवी हो गया होगा, ऑलमोस्ट अराउंड 200 grams के आसपास इसका वेट होना चाहिए अगर एक 5000 mAh का बैटरी अगर हम कंसिडर कर रहे। तो उसी के साथ में 20W का टर्बो पावर चार्जिंग भी इन्होंने प्रोवाइड किया जो आपको बॉक्स में ही मिलेगा, तो उसकी वजह से आप इसको आई गेस दो ढाई घंटे में इसको फुल चार्ज कर पाओगे, टू आवर्स के अंदर आप इसको फुल चार्ज कर पाओगे। स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ में आता है, तो एक एड फ्री, ब्लोटवेयर फ्री और ऑथेंटिक स्टॉक एंड्रॉयड आता है जहाँ पे सिर्फ मोटो के कुछ एक्स्ट्रा ट्विक्स आपको देखने को मिलेंगे। पर मैंने इस्तेमाल किया है खुद ने मोटोरोला का स्टॉक एंड्रॉयड, तो इट इज़ 99.9% एज प्योर एज एंड्रॉयड ओपन सोर्स स्टॉक एंड्रॉयड, तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसकी वजह से मुझे लगता है मोटोरोला इसकी वजह से अपडेट भी फास्टली पुश कर पाएगा मार्केट में। सो 20,999 रुपये में आने वाला ये फ़ोन आपको कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक विश्व यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोस हर दिन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी शॉपिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये फ़ोन कैसे लगा। बाय।